सीरियल राधा कृष्ण से सभी को अपना दीवाना बनाने वाले सुमेध मुद्गलकर आज टीवी का वो नया चेहरा बन चुके हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुमेध की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों सुमेध को एक डांसर बनना था लेकिन उन्होंने अपने करियर को एक्टिंग की तरफ मोड़ लिया और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और क्यों उन्होंने एक्टिंग नहीं आते हुए भी कहा कि उन्हें एक्टिंग आती है। ये सारी जानी अनजानी बातें हम आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सुमेध मुद्गलकर की लाइफ से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो हेलो माय फैमिलीज, मैं हूँ आयशा और वेलकम है आपका स्टोरी विद आयशा में। सुमेध का जन्म 2 नवंबर 1996 को पुणे महाराष्ट्र के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था और पेरेंट्स के अलावा सुमेध की फैमिली में 2 भाई भी है। सुमेध अपनी फैमिली के लाडले है और स्पेशली अपने फादर के वो बहुत करीब है। सुमेध को बचपन से ही डांस करने का काफी इंटरेस्ट था लेकिन उन्होंने कभी भी डांस की ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचा नहीं था और बस इंटरनेट पर डांस के वीडियो को देखकर डांस के स्टेप को फॉलो करते थे और उसमें अपना कुछ यूनिक आइडिया लगाते थे। और इसके बाद सुमेध को लगा कि उन्हें अपना करियर डांसिंग में बनाना चाहिए और जब उन्होंने अपनी फैमिली से अपने करियर के बारे में बात करा तो उन्हें अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला, जिसके बाद सुमेध ने पुणे से मुंबई अपने डांसिंग करियर को बनाने आए। लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें कई रियलिटी शो से रिजेक्शन मिला था और कुछ टाइम के लिए वो डीमोटिवेट हो गए थे और फिर फैमिली के सपोर्ट से उन्होंने अपने करियर को ट्रैक पर लाया। साल 2012 में उन्होंने मुंबई के एक मराठी डांस रियलिटी शो डांस महाराष्ट्र डांस में ऑडिशन दिया था जहां उनको सिलेक्ट कर लिया गया था और इसके एक साल बाद सुमेध ने डांस इंडिया डांस सीजन 4 में ऑडिशन दिया था और इसमें भी वो सिलेक्ट हो गए थे जहां उनके डांस परफॉर्मेंस को देखकर जजेस और ऑडियंस ने उन्हें काफी प्यार दिया था और एक जज श्रुति मर्चेंट ने उन्हें बीट किंग का भी टाइटल दे दिया था जो सुमेध के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अफसोस सुमेध इस शो को जीत नहीं पाए थे और अपने घर चले आए, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुमेध ने इस शो में काफी जबरदस्त डांस किया था जिस वजह से उन्हें वी चैनल का शो दिल दोस्ती डांस का ऑफर आया और ये शो डांस पर बेस्ड था इसलिए सुमेध ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सुमेध को डांसिंग तो आती थी बट एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने एक्टिंग के बारे में नहीं बताया और शो के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। और इसके बाद सुमेध को कलर्स टीवी के शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में राजकुमार सुसीन के लिए कास्ट कर लिया गया जो एक नेगेटिव रोल था और इसमें सुमेध की एक्टिंग तारीफ के काबिल थी। सुमेध ने कुछ मराठी मूवीज वेंटिलेटर, मांझा और बकेट लिस्ट में भी काम किया है। लेकिन सुमेध को जिसने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कराई वो स्टार भारत का शो राधा कृष्ण है जहां उनकी बढ़िया एक्टिंग, क्यूट लुक्स और चुलबुला अंदाज दर्शकों का फेवरेट बन गया और वो हर घर के लाडले कृष्ण बन गए। लेकिन सुमेध ने बताया कि उनके लिए ये शो काफी चैलेंजिंग था, इसके लिए उन्होंने काफी मेडिटेशन किया और बांसुरी बजाना भी सीखा था और इसके साथ उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स पर और भी ज्यादा काम किया और अपने अंदर एक मैच्योरिटी क्रिएट करी। वैसे राधा कृष्ण के शो में राधा का रोल प्ले करने वाली मल्लिका सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुमेध एक बहुत ही अच्छी एक्टर है और वो बहुत लकी मानती है अपने आप को कि उन्हें सुमेध जैसा पार्टनर मिला। सुमेध ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पुणे के सिंहड़ स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल से पूरी करी और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। सुमेध पर एपिसोड का 30 से 40 हजार चार्ज करते हैं और वहीं उनके नेटवर्थ लगभग 5 मिलियन से भी ज्यादा है। सुमेध एक एक्टर, मॉडल, डांसर और टेलीविजन स्टार है जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बना ली है। तो ये थी सुमेध की लाइफ स्टोरी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सुमेध कैसे लगते हैं और कौन सा शो आपको सुमेध का बेहद पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दे उसको, डरा उसको, सिम बोल, डरा उसको। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहा है तू, कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी? माय मिस्टेक।